दो दशक पुराने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान पर आज फैसला सुनाया जाएगा। जोधपुर की एक अदालत काला हिरण के शिकार मामले में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू नीलम कोठरी पर आज अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि 1998 में सलमान खान राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान सलमान समेत कई सितारों पर काला हिरण के शिकार करने का आरोप लगा था। मामला 2 अक्टूबर 1998 का है, जब राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काला हिरण का शिकार करने का मामला दर्ज किया गया था। साथ ही इस केस में सलमान को उकसाने के लिए सैफ अली खान, नीलम तब्बू और सोनाली बेंद्रे का नाम भी शामिल है। जब काला हिरण पर गोलियां चली तो आवाज़ सुनकर ग्रामीण दौड़ आए। उन्होंने देखा कि सलमान खान जिप्सी चला रहे थे और हिरण के शव को छोड़कर तुरंत घटनास्थल से वह लोग फरार हो गए। इस मामले में दो अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह और दिनेश सिंह हैं। हिरण के शिकार के समय दुष्यंत सिंह कथित रूप से सलमान के साथ था, जबकि दिनेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह सलमान खान का सहायक है। सलमान खान वन्यजीवी संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीवनी संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 गैरकानूनी जमावड़े के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। काला हिरण एक लुप्त पर्याप्त जाति है और भारतीय वन्यजीव अधिनियम के अनुसूचित 1 के तहत सुरक्षित किया गया है। जानकार बताते हैं कि अगर आज सलमान खान के खिलाफ फैसला सुनाया जाता है और उन्हें 3 साल की जेल हो जाती है तो उन्हें उसी वक्त जमानत मिल जाएगी। अगर उन्हें 5 साल की सज़ा होती है तो उन्हें कम से कम 1 दिन के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। गौरतलब है कि 1 दिन के बाद ही शनिवार और रविवार है, इसलिए संभव है कि उन्हें ये दोनों दिन भी जेल में बिताना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सलमान खान को 3 दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं।